95 यानी क्वेश्चन कैसे पूछे थे आपके? हो गया सैंपल बहुत टफ नहीं था, बट वही पर्यावरण में थोड़ा सा टफ था, जो मतलब जो भी पढ़े थे अपने वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया था पर्यावरण में। और बाल विकास कैसे क्वेश्चन आपके थे? ठीक था। बाल विकास मैथ कैसी आती है? मैथ तो हमसे खुद नहीं बनता बिल्कुल। किस टॉपिक से आए थे मैथ? समझे भी नहीं आ रहे हैं, कितना भी बड़ा करो बाकी तो ठीक था। मैथ कैसी था? मैथ बढ़िया था। मैथ बढ़िया। पर्यावरण कैसे था? पर्यावरण हो गया वही है, स्पेस स्पेस के एक आध दो क्वेश्चन थे बाकी ठीक था। हिंदी कैसी आई? हिंदी संस्कृत बढ़िया है, मैथ भी अच्छा है, पर्यावरण। नमस्कार दोस्तों, मैं बाहुबली डिफेंस अकेडमी से, बच्चे निकल चुके हैं। हेलो सर, आपके स्कोर कैसा था? सर स्कोर कैसा था आपका? ठीक था सर, 97। यानी क्वेश्चन कैसे पूछे थे आपके? नॉर्मल ही था। नॉर्मल ही था। सर पेपर कैसा आया था आपका? पेपर कैसा? ठीक था, बढ़िया ठीक था। क्वेश्चन कैसे पूछे थे सर? पेपर कैसा आया था सर? पेपर कैसे आते सर? ठीक ठाक सर। कैसे पेपर आए थे आज के? जय हिंद दोस्तों, आज वर्ग 3 का पेपर था, इसमें एनालिसिस हम दिखाएंगे आप। एक मिनट दोस्त, टाइम दो, कुछ बच्चों का मदद हो जाएगी। एक मिनट। कैसा रहा पेपर? एक मिनट आप देंगे, किसी की मदद हो जाएगी। बताइए कैसा रहा आज का पेपर? पेपर सर बहुत खराब था। कितना गया आपका इसको? 77। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार गौतम। कहाँ से हैं? यूपी से। तो पुलिस में जैसे है ऐसे संविदा वर्ग 3 का पेपर है लेवल, जैसे पुलिस दिया था आपने? लेवल उसी तरह है। अच्छा, तो हिंदी में क्या रहा आपका? हिंदी में भी अच्छा गया। कैसे पैसे जो गए रहे, कैसे पैसे? विलोम शब्द थे, संधि विच्छेद थे। अच्छा, अलंकार। तो संस्कृत में क्या रहा आपका? नंबर तो दिखा नहीं, रोड में दिखा। और मैथ में क्या था? तो मैथ लगभग मतलब हार्डी था लगभग। और चाइल्ड डेवलपमेंट में वो अच्छा था। तो कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत सही हम नंबर दोस्त कितने नंबर थे आप भी दिया होगा ना? 108। अच्छा भैया के 108 है जी। तो कैसा रहा आज का पेपर भैया? देखने पर अच्छा ही रहा, जिसे हिंदी संस्कृत का जो भी था क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। इसमें फंसाने वाला थोड़ा सा था पर्यावरण जो था। पर्यावरण सैटेलाइट से भी क्वेश्चन दिया था, रसायन विज्ञान से भी दिया था क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा संस्कृत में क्या था पैसेज में, जैसे संधि समाज से था, प्रत्यय से क्वेश्चन उसमें थे, उपसर्ग से भी। हाँ उपसर्ग से भी रहेंगे। हिंदी में भी यही था। हिंदी में मैथ का लेवल भी ठीक था। टेक्नोमेट्री मेंसुरेशन कहीं से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कोई चक्कर ऐसा रेशियो से, रेशियो से, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से? प्रॉफिट लॉस से कोई नहीं था, परसेंटेज था। तो आपके कितने आए हैं? 108 आए। 108 है। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ इलाहाबाद से। चलिए तो देख पकड़ी तो। सर पेपर कैसा था आपका? हेलो सर, पेपर कैसा था आपका जी? पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। मैम कैसा स्कोर रहा आज का? अरे हो गया, नाम पूछिए। मैम आज का स्कोर कैसा था? मैम कैसा था आज के पेपर? कैसा था सर आज के पेपर? बेकार। कैसा मैम पेपर आज? जी सर जी बोलिए। आज कैसा पेपर था? बहुत अच्छा था सर जी। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत कम स्कोर मिला है, क्या करें। कितना स्कोर? 95। यानी क्वेश्चन कैसे पूछे थे आपके? हो गया सैंपल बहुत टफ नहीं था, बट वही पर्यावरण में थोड़ा सा टफ था, जो मतलब जो भी पढ़े थे अपने वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया था पर्यावरण में। और बाल विकास से कैसे क्वेश्चन आपके थे? ठीक था। बाल विकास मैथ कैसी आई थी आपकी? मैथ तो हमसे खुद नहीं बनता बिल्कुल। किस टॉपिक से आए थे मैथ में आप? मैथ मैं देखा नहीं हूँ एक्चुअली, मैं क्लिक करते गया हूँ जी। हिंदी कैसी आई थी आपकी? हिंदी सर वही गदांश पदांश तो था, है ना। मेन इसमें एक्चुअली मार्क खा जाते हैं, क्या है कि जो क्वेश्चन आते हैं ना तो अपने को ड्रॉप आउट वो नहीं करते बनता स्क्रॉल, है ना, उसी में लोग मार खा जाते हैं। सर आपका नाम क्या है? संतोष कुमार यादव सर। मैम कैसा था आपका पेपर? बहुत अच्छा था, बहुत कठिन क्वेश्चन आए थे आज के, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिलेबस से बाहर आए थे? हाँ पढ़ा और लिखा कुछ नहीं। सर आज का पेपर कैसा था? पेपर अच्छा था, फॉन्ट बहुत छोटे छोटे हैं यार, संस्कृत की कुछ समझे भी नहीं आ रहे हैं जी, कितना भी बड़ा करो बाकी तो ठीक था। मैथ कैसी सर आपकी? मैथ बढ़िया थी। मैथ बढ़िया थी। पर्यावरण क्वेश्चन कैसे आते? पर्यावरण हो गया वही है, स्पेस स्पेस के एक आध दो क्वेश्चन थे बाकी ठीक था।
हिंदी कैसी आई? हिंदी संस्कृत बढ़िया है, मैथ भी अच्छा है। पर्यावरण लैब में कितना अधिकतम गया है? किसी का 108 गया है, बाकी मेरे 97। थैंक यू सर। सर आज का स्कोर कैसा था आपका? 99 मिला। 99, यानी क्वेश्चन कैसे आए थे, किस टाइप से आए थे क्वेश्चन आपके? बाल विकास के क्वेश्चन कैसे आते आपके? हो गया है तो तीन मान लीजिए मनोवैज्ञानिक से आते हैं, जैसे पियाजे हो गया है ना, एक और आए थे ऐसे वाटसन वगैरह। और मैथ कैसी थी? मैथ ईजी थी। हिंदी के कैसे आते? हिंदी भी ईजी थी। हिंदी हाँ, पैसेज पढ़ो अपना लगाओ बस, संधि समाज जिसके मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर है, नींव मजबूत है तो बाकी कर लेगा, बहुत इजी मतलब ऐसे। सर आपका नाम? संजीव कुमार शुक्ला। थैंक यू सर। सर आपका क्वेश्चन कैसे? नमस्कार दोस्तों, जैसा बता रहे हैं अभी हाईएस्ट 108 गया है, अभी अब देखते हैं अभी बच्चे निकलने वाले हैं कितना हाईएस्ट जा रहा है, अभी तो पूरे लड़के निकल नहीं पाए हैं। सर बताएंगे कैसा पेपर था आज का? सर बताएंगे पेपर कैसा था आज का? बस पेपर बहुत अच्छा था। बहुत, यानी स्कोर कैसे थे आपके? स्कोर हमारे 90 थे। 90, यानी हर साल में कैसे क्वेश्चन पूछे थे आपके? अरे सबसे ज़्यादा जीएस का था। जीएस का था? हाँ, एबीएस। यानी आपको ऐसा लगा कि सिलेबस से बाहर कुछ क्वेश्चन आए थे? हाँ कुछ थे सिलेबस से बाहर, लेकिन अब सिलेबस क्या, सिलेबस तो पूरा है लेकिन अब जहाँ तक नहीं पहुँच पाए हमारे लिए बाहर है, बस हो गया। मैथ से कैसे क्वेश्चन आए थे आपके? मैथ से ठीक थे, कुछ पकड़ में थे कुछ बाहर थे, अब पेडागोजी मॉडल सब थे। सर आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार बेन।